अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट किया था, आज हम 2.6 को देखेंगे। से बेसिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन से हम आज इस पर बात करेंगे और एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। वीडियो के देखने से पहले इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम लोग देखें और इसको समझें। तभी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमने देखने बेसिक ऑपरेशन कौन से। इसमें सबसे पहले तो आएगा हमारे पास एडिशन। एडिशन को देखते हैं कि हम दो मैट्रिक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह करेंगे। तो इसमें हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी है, वो ए प्लस बी आयोटा है, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको Z1 का नाम दे दें, इसको Z2। Z2 इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, हमने इनको करना है अब ऐड। ऐड कैसे होगा? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू इधर ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। तो ये होगी इनकी एडिशन। अब इसमें एडिशन करनी कैसे ये देखेंगे। हमेशा रियल नंबर में ऐड होगा और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी में ऐड होगा, क्योंकि लाइक में ही ऐड होता है या लेस होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस सी और ये प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा। तो नेक्स्ट ए प्लस सी प्लस यहाँ से अयोटा अगर कॉमन लें, अयोटा इंटू बी प्लस डी, ये आ जाएगा हमारे पास Z1 प्लस Z2। ये थी हमारे पास एडिशन। और अगर इसी तरह हमने इसकी सब्ट्रैक्शन देखनी है तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में सिंपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इनको हम माइनस करेंगे, Z1 माइनस Z2। जहाँ प्लस है वहाँ आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना। तो इसकी सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, यानी ए प्लस बी आयोटा माइनस करेंगे, आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस ने इंटरनल वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो अभी से सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस प्लस माइनस डी आयोटा। अब उसी तरह आप इसे अरेंज कर लें, ए माइनस सी और ये प्लस के साथ इधर आयोटा कॉमन ले लें, बी माइनस डी आ गया। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाए, ये एडिशन के अंदर थे। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? Z1 मल्टीप्लाई होगा Z2 से। तो इसको भी साथ ही चेक कर लें, मल्टीप्लिकेशन में आप कैसे करेंगे इसे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये हो जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन इसकी उसी तरह ही है जैसे हम एक आम अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट एंट्री सेकंड के साथ, इसी तरह सेकेंड एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकेंड एंट्री सेकेंड के साथ, इस तरह आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा ए सी से मल्टीप्लाई होगा, ए सी हो जाएगा, फिर ए डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए डी आयोटा, यानी ये कॉम्बिनेशन बी है पहले इससे, फिर ये इसके साथ, फिर बी आयोटा सी के साथ, ये हो जाएगा प्लस सी बी आयोटा या बी सी आयोटा, उसके बाद प्लस बी आयोटा इस डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी डी आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगा हमारे पास ए सी प्लस, अब ये आयोटा वाली वैल्यूज यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा हमारे पास ए डी, इधर आ जाएगा प्लस बी सी, और इधर क्या बनेगा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस वन, वैल्यू अप्लाई करें बी डी
इंटू माइनस वन हो जाए। अब रियल नंबर जो इनको कंबाइन कर लें, इधर से ए सी और इधर इधर से माइनस बी डी, इनको सेपरेट कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी माइनस बी डी इधर प्लस एटा इंटू ए डी प्लस बी सी, ये आ जाएगा हमारे पास जी वन जी टू। आप इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली इसने हो जाना। अभी हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो वो हमारे पास एम सी क्यूज टाइप ही है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकते हैं, उसको देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी एक्सरसाइज 2.6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, ये बताना है क्या स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन 1, इसका पार्ट 1 है हमारे पास, अंडर रूट माइनस 3 इंटू अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 3 के। अब देखें क्या ये 3 के इक्वल है या नहीं, रेडिकल की प्रॉपर्टी यूज़ करें, रेडिकल की प्रॉपर्टी क्या है, आप इसको ए की अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस होता है और 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3, और 9 का स्क्वेयर रूट हमें पता ही है 3 होता है, 3 इज इक्वल टू 3। अब ये देखें दोनों साइडें हमारे पास बराबर होगी, तो इट मीन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 इसका, एटा रेज टू पावर 73 इज इक्वल टू माइनस एटा। अब ये हमने चेक करना, इसका मैंने आपको आइडिया नहीं बताया था कि आपने इसको पहले इवन में कन्वर्ट करना है, एटा रेज टू पावर 72 मल्टीप्लाई एटा करेंगे आप, क्योंकि एटा की पावर 1 बेसिस सेम पावर्स एड ए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं इज इक्वल टू माइनस एटा। अब एटा 72 को हम एटा स्क्वेयर में चेंज करेंगे, एटा स्क्वेयर होल रेज टू पावर ये 36 हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद मल्टीप्लाई एटा इज इक्वल टू माइनस एटा। अब एटा स्क्वेयर की वैल्यू, एटा स्क्वेयर हमारे पास माइनस 1 होता है, माइनस 1 होल रेज टू पावर 36 मल्टीप्लाई एटा इज इक्वल टू माइनस एटा। अब पावर देखें इवन है, जब पावर इवन होती है तो इंटरनल साइन चेंज होता है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और पावर जो है हमारे पास जो भी होगी 1 की हमेशा आंसर 1 देगी, यानी हमारे पास प्लस 1 इंटू एटा आएगा इज इक्वल टू माइनस एटा। और अगर आप इसको देखें प्लस 1 इंटू एटा प्लस एटा इज नॉट इक्वल टू माइनस एटा, ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो इस वजह से क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे एमसीक्यूज टाइप हैं, आगे इसमें थोड़े से आएंगे। इसमें से थर्ड है हमारे पास, एटा रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको चेक कर लें ये क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं एटा स्क्वेयर होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये क्या बनेगा, एटा स्क्वेयर है, एटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये माइनस 1 के इक्वल होता है, तो माइनस 1 होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 1। अब पावर ऑड है, पावर ऑड है तो इंटरनल माइनस चाहिए, माइनस ही रहेगा, और 1 रेज टू पावर 5 ये 1 ही आएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये देखिए दोनों साइडें हमारे पास बराबर हो चुकी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रू है। ये था क्वेश्चन हमारे पास 1 का पार्ट 3। अब 1 का पार्ट 4 है, इसमें से ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 एटा प्लस एटा स्केयर इज माइनस 1 प्लस 6 एटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 एटा प्लस एटा स्केयर इज माइनस 1 प्लस 6 एटा।
जी पार्ट फोर में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इसका वो कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो ये बनता है -1 + 6 से होता। अब हम चेक करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट उसके बराबर आता है या नहीं आता। तो वैल्यू है हमारे पास -6 iota + iota²। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे iota स्क्वेयर, यानी सॉरी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे iota स्क्वेयर को। iota स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये -1 के इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा -6 iota, यहाँ आ जाएगा +(-1), ये हो जाएगा अरेंज कर लें -1 - 6 iota, ये आ गया हमारे पास। लेकिन उसने हमें कहा था कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आपने इसका कॉन्जुगेट लेने हैं। तो ये तो हमने सिर्फ अभी अयोटा को सॉल्व किया है, कॉन्जुगेट अभी नहीं लिया। तो कॉन्जुगेट लेते हैं इसका, क्या बनेगा कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा -1 - 6 iota। कॉन्जुगेट में इसके ऊपर बार यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा -1। अब क्या हो जाएगा, ये -+ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हमेशा अयोटा का साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस होता है। -1 + ये 6 iota हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर, यानी वही आ गया जो उसने हमें कहा था। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ट्रू हो जाएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 5 है इसका, 5 को हम देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं ये किस तरह होगा। जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 है हमारे पास। उसने कहा डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + b iota एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। ये भी क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने तवज्जो से देखना। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे पास z इज इक्वल टू a + b iota एंड इट्स कॉन्जुगेट। एंड इट्स कॉन्जुगेट इज आर एन नंबर। जी ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन। उसने कहा डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस आपने बताना है कौन से। एक उसने कहा वो z इज इक्वल टू a + b iota है एंड इट्स कॉन्जुगेट। इट्स कॉन्जुगेट मीन आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, z के ऊपर बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास a - b iota। iota का साइन हम हमेशा कॉन्जुगेट में चेंज करें। इज अ रियल नंबर, वो हमारे पास एक रियल नंबर है। अब हम चेक करते हैं क्या ये रियल नंबर आता है कि नहीं। अब डिफरेंस लें z का और z कॉन्जुगेट का, z - z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a + b iota -(इधर से a - b iota। अब हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a + b iota, ये हो जाएगा -(a - -)+(b iota। अब -(a) + (a) से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा b iota + b iota, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b iota, जो कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। उसने हमें क्या था, चेक करके बताएं कि इनका जो डिफरेंस है वो रियल नंबर आता है, लेकिन क्या आया हमारे पास, ये इमेजिनरी नंबर आया। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये आपने इसमें बताना था। जी ये था हमारे पास पार्ट 5। अब इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट 6 में है हमारे पास इफ a - 1 - (b+3 iota)
इज इक्वल टू 5 + 8 iota, देन ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू -11। अब क्वेश्चन ये है इसमें, उसने कहा कि इफ ए माइनस वन माइनस बी प्लस 3 iota इज इक्वल टू 5 + 8 iota, इसका मतलब ये और ये अगर आपस में बराबर है तो ए की वैल्यू ये होगी और बी की वैल्यू ये होगी। हमने ये वेरीफाई करके देना, क्या ये दोनों साइड को सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यूज आती हैं या नहीं। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से ये वैल्यूज निकाल लें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन वैल्यूज़ को इसमें अप्लाई करें और चेक करें क्या दोनों साइडें बराबर आती हैं या नहीं। अगर दोनों साइडें बराबर आ गई तो फिर भी ठीक है। तो हम इसको करते हैं, वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं इसमें। ए की जगह हम यूज़ करेंगे 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 1 माइनस, अब बी की वैल्यू हमारे पास -11 प्लस 3 iota इज इक्वल टू 5 + 8 iota। अब क्या बनेगा, ये हो जाएगा 6 - 1 ये 5 हो जाएगा माइनस, अब -11 + 3 - 8 iota इज इक्वल टू 5 + 8 iota, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 iota इज इक्वल टू ये 5 + 8 iota। अब देखिए दोनों साइडें हमारे पास इसकी बराबर हो चुकी हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये ट्रू हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे ये ट्रू है। ये था इसका पार्ट नंबर 6। एक इसका लास्ट पार्ट रहेगा, वो हम जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कम से कम एडिशन वाला आज लाजमी देखेंगे इसमें। जी पार्ट 7 है इसमें। पार्ट 7 में प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब इसकी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, आप इसको इधर से ही देखें। लेट एक नंबर हमारे पास जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, फिर उसने कहा एंड इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेना, तो वो हमारे पास जी बार वो हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा। फिर क्या कहा उसने, इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे और रियल नंबर होंगे, तो चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट इसने कहा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। अब ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा ए इंटू ए ए स्क्वेयर ए इंटू माइनस बी आयोटा, ये माइनस ए बी आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस बी आयोटा ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वेयर हो जाएगा, एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखें इसमें ये माइनस ए बी एयोटा ये प्लस ए बी एयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या रहेगा ए स्क्वेयर, इधर से माइनस बी स्क्वेयर, और एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू यूज़ करें वो होती है हमारे पास माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर, तो ये देखें ये हमारे पास नॉन नेगेटिव आया और रियल नंबर आया, हमेशा ये नॉन नेगेटिव होगा और रियल नंबर होगा, ये इसने बात सही की थी, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह वो शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से वो पूछ सकता है, तो इनको आपने बड़े ध्यान से करना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमसे एडिशन करवा रहा है। अभी हम एडिशन देखते हैं क्योंकि हमने एडिशन बेसिक जो है इसकी सीख ली है, तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट 1 है हमारे पास, ये है 2 + 3 iota + 7 - 2 iota, इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखेंगे ब्रैकेट इसके ओपन करें, हो जाएगा 2 + 3 iota, ये हो जाएगा +7 और ये -2 iota। अब रियल नंबर रियल में ऐड कर रहे हैं और इमेजिनरी इमेजिनरी में, सिंपल है, 2 + 7 9 हो जाएगा और +3 iota और -2 iota हमारे पास +1 iota बाकी रहेगा, ये इसका आंसर है। बस सिंपल आपने इसकी इस तरह छोटी छोटी एडिशन है ये करनी है। पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 में है 2 × 5 + 4 iota, उसके बाद -3 × 7 + 4 iota।
अब इसको हमने मल्टी सॉल्व करना है, तो ये कैसे होगा, 2 5 10 + 2 4 8 iota - 3 7 21 - + - 3 4 12 iota। अब इसका वही रियल रियल में ऐड करें, इमेजिनरी इमेजिनरी में 10 - 21 ये -11 आ जाएगा, अब +8 iota और -12 iota ये -4 iota हमारे पास बाकी रहेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था। अभी हमारे पास इसका पार्ट थ्री है, इधर ही देख लें। पार्ट थ्री है -(-3) + 5 iota, उसके बाद -(-4) + 9 iota। अब क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -(-+3) - +(-5 iota, ये हो जाएगा -(-4) - +(-9 iota। अब रियल रियल में ऐड करते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी में, ये +3 और -4, ये -1 आ जाएगा, -5 iota और -9 iota, ये हमारे पास -14 iota हो जाएगा, ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट है अब हमारे पास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, इसको हम देखते हैं जी। लास्ट पार्ट क्या है, पार्ट फोर, 2 iota² + 6 iota³ + 3 iota⁻¹⁶ - 6 iota⁻¹⁹ + 4 iota⁻²⁵। जी अब हमने इसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन इसका देखेंगे कैसे होगा। अब 2 iota² की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, -1 अप्लाई करते हैं। अब बाकी कोई भी वैल्यू हमारे पास iota स्क्वेयर की फॉर्म में नहीं है, तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे iota स्क्वेयर की फॉर्म में, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे। तो ये हो जाएगा +6 iota³ है, तो हम इसको iota² into iota लिख सकते हैं। उसके बाद +3, अब ये इवन नंबर ही है, इसको हम लिखेंगे iota² whole raised to power 8, क्योंकि iota स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। -6 iota 19, ये हो जाएगा हमारे पास iota 18 into iota, और +4 iota 25, इसको हम लिखेंगे iota raised to power 24 into iota। ये हमने इवन में कन्वर्ट कर दिया, अब हम इसको iota स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और जो कन्वर्ट है उनकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा -2, इधर +6, iota स्क्वायर की वैल्यू -1 into iota, इधर +3, iota स्क्वायर जाइए -1 whole raised to power 8 हो जाएगा। उसके बाद इधर -6, अब इसको iota स्क्वायर में चेंज कर दें, iota² whole raised to power 9 into iota, +4 iota² whole raised to power 12 into iota। जी अब देखें -2, अब ये +(-6) हो जाएगा iota, और ये +3, अब -1 raised to power 8 है, अब पावर हमारे पास इवन है, तो ये -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, -6, और ये iota स्क्वायर -1 होता है, -1 whole raised to power 9 into iota, +4, इधर iota स्क्वायर -1 whole raised to power 12 into iota। ये हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जी। अब क्या करेंगे इसमें, अब हो जाएगा हमारे पास ये -2, उसके बाद -6 iota, अब ये +3 1 3 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से -6, अब -1 whole raised to power 9 है, तो ये पावर ऑड है, तो ये माइनस ही रहेगा, -1 into iota, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4, -1, अब होल रेस टू पावर इवन है हमारे पास, तो पावर इवन है, तो ये -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू एटा। अब नेक्स्ट ज़रा देख लें, -2 + 3, ये हमारे पास 1 होता है, ये -6 iota, इधर से -, -6 iota,
उधर से प्लस 4 वन ज़ा 4 आयोटा। अब -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या रहेगा हमारे पास, इधर से 1 और इधर से प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन 2, इसका पार्ट नंबर ये 4 था। ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको आप तवज्जो से देखें। बाकी भी इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन 2 तक इसको देख रहे हैं, क्वेश्चन 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको करें, कोई इशू होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।